श्री सीताराम भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, विश्व का कल्याण हो। वर्तमान समय की परिस्थितियां देखते हुए उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान में स्थिति निर्मित हुई है, तो प्रत्येक व्यासपीठ का और आचार्य का कर्तव्य है कि समूचे विश्व कल्याण के हित के लिए सोचना व विचार करना चाहिए। इसी भाव को प्रमुखता देते हुए वहाँ की सरकार, वहाँ के निवासी रहने वाले लोग, जिससे किसी भी प्रकार की धार्मिक सद्भावना ना बिगड़े व किसी भी प्रकार से किसी के हृदय को ठेस ना पहुँचे, तो 17 अप्रैल से 21 अप्रैल तक 5 दिवसीय होने वाली श्री हनुमंत कथा को वहाँ की जो, चूँकि हमने भारतीय संविधान को स्वीकार किया है और हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया है, तो उसका निर्वाहन करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसलिए 144 धारा वहाँ लागू है, तो हमें लगता है ऐसी परिस्थिति में राष्ट्र हित के लिए और प्रदेश के उत्थान और हित के लिए कथा को आगामी समय तक के लिए तारीख आगे बढ़ानी चाहिए। इसलिए 17 तारीख से होने वाली 21 तारीख तक की हनुमंत कथा वर्तमान में कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी गई है। आगामी समय में हम आएंगे, बहुत अनुकूल समय जब हनुमान जी प्रेरणा देंगे, उसी अनुकूल परिस्थिति में आकर के पुनः समूचे उत्तर प्रदेश को राममय बनाने के लिए और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के साथ हम पुनः आएंगे। और आप सभी भी ऐसे माहौल में सबके हित की देखते हुए, ताकि किसी का भी हृदय विदीर्ण ना हो, ऐसे कार्य करें जिससे विश्व का कल्याण हो और समाज का उत्थान।